हमले तेज हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाविकास अगाड़ी और राहुल गांधी जी पे हमला बोला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली थी। मोदी जी ने कह दिया मुंह पे कि महाविकास अगाड़ी बिना पहियों की गाड़ी है, उनमें एकता नहीं है, किसी को नहीं पता कि कौन ड्राइवर है, मतलब कि कौन सीएम है, हर कोई लड़ रहा है। अब ये क्यों कहा? क्योंकि आपने सुना होगा थोड़े ही दिन पहले संजय राउत जी ने ये कह दिया कि उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन महाविकास अगाड़ी के दूसरे सहयोगी है जैसे कि शरद पवार जी और राहुल गांधी जी की कांग्रेस, शरद पवार जी की एनसीपी, उन्होंने कह दिया कि हम अभी तक किसी भी नाम की घोषणा नहीं करते, जीतने के बाद हम महाविकास अगाड़ी का चीफ मिनिस्टर चुनेंगे। तो इसी बात पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने टॉन्ट मारा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे ये भी कहा कि अगर ये लोग आएंगे तो डेवलपमेंट की रफ्तार है वो कम हो जाएगी और ये लोग कुछ काम नहीं करेंगे और वापस वैसा ही महाराष्ट्र हो जाएगा जैसे पहले था, और हम जब से आए हैं तब से हमने जो डेवलपमेंट की है वो बहुत ही फास्ट की है महाराष्ट्र की। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कहना कि ये बिन पहिए की गाड़ी है, और उसके साथ उन्होंने एक और वर्ड जोड़ा कि इनका कोई ब्रेक नहीं है। ब्रेक नहीं है मतलब अब आपको पता है कि बिना पहिए की गाड़ी और उस पे ब्रेक का ना होना ये कैसा होता है, वो कोई भी डायरेक्शन में जा सकती है क्योंकि आप उसे रोक नहीं सकते। अगर एक ट्रेन है जिसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो वो क्या करेगी, आपको भी पता है वो तबाही लाएगी। यही चीज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे ये भी कहा कि आपको अगर अपना उज्जवल भविष्य चाहिए तो आपको महायुति को चुनना होगा, और आगे ये भी कहा कि अगर महाविकास अगाड़ी की सरकार आती है तो वो जो लाड़की बहन योजना है वो बंद कर देगी और महिलाओं को जो बेनिफिट मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जी और महाविकास अगाड़ी ने अपनी गारंटीज में तो कहा है कि वो महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देगी, और ये भी कहा है कि महिलाओं को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल करने मिलेगा। लेकिन ये कहा है, और बीजेपी जो लाड़की बहन योजना है महायुति, अभी वो पैसे दे रही है करंट गवर्नमेंट में। तो अब ये लोगों पे है कि उनको वादों पे यकीन करना है कि अभी जो दे रहे हैं उन पे यकीन करना है। आगे मैं ये भी कहूं कि महाविकास अगाड़ी पे ऐसा हमला प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार बोला। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा वैसे वैसे ये हमले और तेज होंगे। और मैं बता दूं कि अभी तो अमित शाह जी भी बाकी है, साथ ही साथ में नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कह दिया कि ये बिन पहिए की गाड़ी और बिन पहिए की गाड़ी के साथ इसमें ब्रेक भी नहीं है, और ये कहना एक बहुत ही बड़ी बात है। साथ ही साथ में ये कहना कि अगर महाविकास अगाड़ी की सरकार आई तो ये सारी योजनाएं बंद कर देगी, इससे सीधा संदेश जाता है पब्लिक के बीच में कि अगर महायुति की सरकार जाती है तो जितनी भी योजनाएं जो महायुति ने बनाई है वो शायद महाविकास अगाड़ी बंद कर दे या तो उसका नया नामकरण कर दे। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसे चुनती है। अब महाविकास अगाड़ी के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है, और महाविकास अगाड़ी का ड्राइवर कौन है किसी को नहीं पता, मतलब लीडर कौन है। अब मैं आगे बता दूं कि महायुति में भी अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और चीज कही कि महाविकास अगाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर भी बहुत लड़ाई हुई, किसी को नहीं पता कि कौन कौन सी सीट से लड़ेगा। लेकिन महायुति में भी तो हुई, जैसे कि नवाब मलिक अबू आजमी जी के सामने, उसी के सामने महायुति ने सिंधे सेना में से अपना उम्मीदवार उतारा है। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी सिंधे शिवसेना के नेता ने मना कर दिया अपना नाम खींचने से, अपना नॉमिनेशन खींचने से, और उन्होंने कह दिया कि हम यही सीट से लड़ेंगे, और वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं और उनको कोई सपोर्ट नहीं है पीछे। जैसे कि माहिम सीट का ही उदाहरण ले लो, जहां से राज ठाकरे जी के लड़के लड़ रहे लेकिन उनको सपोर्ट है महायुति का, लेकिन शायद सिंधे सेना का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि सिंधे सेना का जो विद्रोही विधायक है, जो कि वहां का विधायक है अभी माहिम का, उसने पर्चा भर दिया है राज ठाकरे के लड़के के खिलाफ। अब वहां पे त्रिकोणी फाइट होगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और राज ठाकरे जी के लड़के के साथ। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की ये टिप्पणी सीधा सीधा बताती है कि बीजेपी हल्के में नहीं ले रही महाराष्ट्र को, बीजेपी भी ऐसे ही नहीं छोड़ेगी महाराष्ट्र। बहुत सारे ओपिनियन पोल्स तो यही बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास अगाड़ी की सरकार आ रही है, लेकिन सभी में ये दिख रहा है कि नेक टू नेक फाइट है, मतलब जो फाइट है वो बहुत ही नजदीकी होगी और कुछ मार्जिन्स या कुछ सीटों का ही डिफरेंस होगा जीत में। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कितनी सीटों से कौन सरकार बनाता है। लेकिन हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो भी सरकार बनाएगा उसकी योजनाएं लोगों के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।